क्लास सिक्स चैप्टर टेन मेन इज मेंसुरेशन क्वेश्चन 12 इज ऑफ एक्सरसाइज 10.1। आई एम रीडिंग क्वेश्चन 12। टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। टू साइड है, एक ट्राइंगल है जिसकी टू साइड गिवन है 12 एंड 14। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर, और ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है 36 सेंटीमीटर, और ट्राइंगल की थर्ड साइड फाइंड करना है। गॉट इट? एक ट्राइंगल है मीन्स लुक दिस, ये देखिए इस तरीके से ट्राइंगल है। ओके, ट्राइंगल है जिसकी टू साइड गिवन है, तो ये देखिए एक 12 है एक 14 है, एक 12 है एक 14 है, और ये साइड अपने पास नहीं है तो इसको एक्सलेट कर लेंगे, ठीक है। मींस ये साइड फाइंड करना है। और टोटल पेरीमीटर, पेरीमीटर मींस क्या होता है, मैंने बताया था पेरीमीटर मींस होता है ऑल साइड, ठीक है। मींस ऑल साइड कितना है 36, ठीक है। जैसे कि पेरीमीटर फाइंड करना होता है तो अपन ऑल साइड प्लस करते हैं, ठीक है। तो मींस ऑलरेडी पेरीमीटर अपन को गिवन है कितना, जिसका 36 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। ओके, तो राइट किस तरीके से करेंगे, ये देखिए। लेट द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ठीक है, मींस जो थर्ड साइड है इसको क्या फाइंड, मींस क्या लेट कर लेंगे एक्स, क्योंकि ये अपने पास अभी नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट साइड क्या राइट करेंगे, 12 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड 14 सेंटीमीटर, गॉट इट। थर्ड साइड ही फाइंड करना है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि थर्ड साइड फाइंड करना है। ओके, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्वेश्चन में गिवन है कितना है 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, क्या है, सम ऑफ ऑल साइड ही तो होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के डाउन में क्या गिवन है 36, तो इसके डाउन में 36 ही राइट कर देंगे। 36 इक्वल सम ऑफ ऑल साइड मींस ये तीनों साइड का प्लस, फर्स्ट साइड 12 प्लस सेकेंड साइड 14 प्लस एंड थर्ड साइड एक्स, गॉट इट। 36 इक्वल, पहले इन दोनों का प्लस कर देंगे 12 एंड 14 कितना हो जाएगा 4 2 6 1 एंड 1 2। ओके, कितना आ गया, इन दोनों का प्लस 26 प्लस एक्स। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करना मीन्स अपन को थर्ड साइड फाइंड करना है। ओके, अब 26 एक्स में तो प्लस नहीं हो सकता, तो उसका ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा, मीन्स उसको इक्वल के लेफ्ट साइड में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई डिजिट प्लस में है तो माइनस में कन्वर्ट होती है, माइनस में तो प्लस में कन्वर्ट होती है, अपोजिट होती है, गॉट इट। तो 26 प्लस के हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में, तो पहले इसकी प्लेस चेंज नहीं होगी, ये एज इट इट रहेगा, इसको इस साइड आ रहा है तो ये इसके बाद में ही आएगा 26, बिकॉज प्लस की डिजिट होती है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, गॉट इट। इक्वल किया बचा यहाँ पे एक्स, 36 में से 26 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की, तो एक्स इज इक्वल टू, और एक्स क्या है थर्ड साइड है, गॉट इट। तो राइट कर देंगे द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 10 सेंटीमीटर, गॉट इट। क्वेश्चन 12 कंप्लीटेड। नाउ 13 क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क, ठीक है, एक स्क्वायर पार्क है जिसकी कॉस्ट फाइंड करना है ऑफ साइड, उसकी साइड कितनी गिवन है, जो स्क्वायर पार्क है उसकी साइड गिवन है 250। ओके, साइड गिवन है स्क्वायर पार्क, स्क्वायर क्या होता है, इसकी फोर साइड इक्वल होती है, ठीक है। एट द रेट, और रेट कितनी गिवन है 20 रुपीज पर मीटर। ओके, साइड ऑफ स्क्वायर, क्वेश्चन गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, ठीक है, स्क्वायर पार्क है तो स्क्वायर पार्क राइट कर देंगे। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 250 मीटर, क्वेश्चन ही गिवन है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर ही तो फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, दिस इज फॉर्मूला, इसको लर्न करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि स्क्वायर पार्क ही है, ठीक है, इसलिए स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगेगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 क्यों आता है, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड इक्वल होती है, तो 4 है ना, 1 2 3 4, तो 4 मल्टीप्लाई साइड। जिस तरीके से अपन हेक्सागोन 6 करते हैं 6 मल्टीप्लाई साइड, ऑक्टागोन होता है तो 8 मल्टीप्लाई साइड, पेंटागोन होता है तो 5 मल्टीप्लाई साइड। सेम कंडीशन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, बिकॉज इसमें 4 साइड है, 4 मल्टीप्लाई साइड की प्लेस पर क्या राइट कर देंगे 250,
मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, आप लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 250 मल्टीप्लाई 4, 4 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5 जो 20, 20 क्या जाएगी 0, 2 के भी 4, 2 से 8, 10, 2, 10, ये देखिए 1000 आ गया। तो यहाँ पे 1000 मीटर, क्योंकि आप मीटर है तो मीटर ही आएगा। गोट इट? अब यहाँ पे क्या गिवन है, रेट गिवन है। ठीक है, ये तो कॉस्ट गिवन है, 1 का कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ पे पर मीटर होगा, ये पेरीमीटर नहीं, पर मीटर। ठीक है, यहाँ पे राइट कर देती हूँ पर मीटर, पर मीटर मीन्स एक 1 मीटर। ठीक है, कितना कॉस्ट के बना 20, और टोटल ये टोटल का फाइंड करना पड़ेगा, तो 20 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1000 मीटर। ओके, ये पर मीटर का है, तो 1000 का अपन को फाइंड करना है, तो 20 मल्टीप्लाई 1000, तो कितना जाएगा 20 1 20 और 30 है तो 30, कितना आ गया 20,000 रुपीज। गॉट इट? दिस इज आंसर। क्वेश्चन 13 कंप्लीटेड। नाउ 14 क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगल पार्क। दोनों क्वेश्चन सेम है, पर इसमें स्क्वायर पार्क है, इसमें रेक्टेंगल पार्क आ गया। ठीक है, ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ, इसकी लेंथ और ब्रीथ कितनी है, 175 एंड 125 ब्रीथ है। तो लेंथ और ब्रीथ गिवन है, तो लेंथ और ब्रीथ ये इस तरीके से राइट कर देंगे, लेंथ इज इक्वल टू 175 जिस तरीके से इसमें दिया है, और ब्रीथ है 125। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ पार्क, पार्क किस टाइप का, रेक्टेंगल टाइप का है, तो पेरीमीटर ऑफ पार्क मीन्स पेरीमीटर किसका लगेगा, रेक्टेंगल का, क्योंकि रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग राइट कर सकते हो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पार्क। ठीक है, ये भी सही है इस तरीके से, और यहाँ पर रेक्टेंगल भी राइट कर सकते हो। मैं राइट करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे अपना रेक्टेंगल पार्क। ठीक है, क्योंकि जो पार्क है वो रेक्टेंगल टाइप का ही है। तो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ अपने पास कितनी है, 175 प्लस ब्रीथ अपने पास कितनी है, 125। ओके, तो अभी देखिए इन दोनों का प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का प्लस कर देंगे 175, यहाँ पे देखिए 175 में 125 प्लस कर देंगे, 5 और 5 10 0, 1 के लिए 7 1 8 एंड 2 10 0, 1 के लिए 1 2 3, तो कितना आ गया 300। गोट इट? अब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 6 2 0। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, पर मीटर स्क्वायर उसकी कॉस्ट गिवन है। ठीक है, तो ये देखिए कितनी है इसकी, 12 पर मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ फैंसी पार्क पर मीटर कितनी है, ₹12। ठीक है, ये तो पर मीटर दी हुई है कॉस्ट, लेकिन अपन को टोटल फाइन करना है 600 की, तो राइट कर देंगे द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पार्क ऑफ 600 मीटर, मीन्स इसमें 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 में, 12 मल्टीप्लाई 6 12 6 72 20 है तो 20 लगा देंगे, कितना आ जाएगा ₹7200। गॉट इट? ये टोटल कॉस्ट आ गई, दिस इज आंसर। क्वेश्चन 14 कंप्लीटेड।